सो हेलो गाइस, आज का व्लॉग हमारे यहीं से शुरू होगा, तो सभी को जय श्री राम पहले तो। और आज मैंने आइस बात नहीं ली बिकॉज आज पूरी तरह आइस फ्रीज नहीं हुई थी फ्रीजर के अंदर, तो आज आइस बात हम जाके लेंगे, ठीक है। प्लस आज थोड़ा लेट भी हुआ था, बेशक से हम फिलहाल 5 बजे हम अपने ग्राउंड में आ चुके हैं। और आज का वर्कआउट हम पहले जिम में करेंगे और जो अपना एथलेटिक्स का वर्कआउट है हम ना शाम को करेंगे, और यहाँ पर आकर हम अपने मेडिटेशन करके सीधा जिम जाएंगे, देन उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है ना। जाके आइस बात लेंगे पहले, मेडिटेशन करने के बाद, जिम करने के बाद फिर आइस बात लेंगे, आइस बात लेने के बाद डाइट लेकर और फिर अपने शाम को ग्राउंडों का वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सो पहले हम मेडिटेशन कर लेते हैं, देन उसके बाद कुछ करते हैं आगे। हम जा रहे हैं अपना वर्कआउट करना और आज मारेंगे शोल्डर एंड चेस्ट मारेंगे, आज चेस्ट लेंगे आज। और दिन रात सुबह सुबह 6 बजे चलते हैं भाई जिम में अपना। चलो ना भाई, सुबह का जिम का वर्कआउट कंप्लीट, नाउ लेट्स गो टू होम एंड देन कॉलेज जाएंगे अपना, उसके बाद कुछ करेंगे। टॉर्च दिखा रहा हूँ। सुबह ही अपना जिम का वर्कआउट हुआ कंप्लीट, अब जिम से निकल रहे हैं अपनी बाइक लेके और घर जाकर अपना करेंगे आइस बात। जो सुबह का बच रहा था वही है बस, फ्रीज नहीं हुई थी और अब आइस फ्रीज नहीं हुई थी तो मैंने वजह से रहने दिया, क्योंकि भाई पानी का बिल्कुल फायदा नहीं होता, तो इसलिए अब जाके आइस बात लेंगे और सुबह सुबह तो अच्छा मजा सा आ जाएगा, ज़्यादा सुबह भी नहीं है करना भी मज़ा आएगा, तो जल्दी से बाइक लेते हैं अपना जिम से, देन उसके बाद चलते हैं अपना घर पर और आइस बात लेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद फिर वर्कआउट करेंगे अपना शाम को। सो लेट्स गो। लो भाई नज़ारा देख लो तुम एक बार सुबह सुबह का, और इतना नज़ारा नहीं, ये देखो जहाँ तक ट्राईपॉड उठा लिया भाई, जल्दी से ट्राईपॉड रह गया था, फिजिक देखो भाई यार ऊपर आ गया, बस थोड़े से शील्ड है इसलिए हमको पेट भर है वरना उठ गया था कुछ कॉलेज के लिए रेडी होते हैं। सो गाइस जल्दी से कॉलेज से घर चलते हैं और मैं आज बताऊंगा आज का सुबह का एक्सपीरियंस कितना तगड़ा था मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सुबह का, वो उसमें शेयर करता हूँ घर चलकर, है ना, वो भेज दूंगा भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से घर चलता हूँ फिर सारा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपका, जो सुबह उठा था
कैसे गया, और भाई जो बाद में इस बात करी थी ना, तो वो तो भाई अलग ही लेवल की थी। सो मिलता हूँ घर पर जल्द। तो भाई जैसा कि मैंने बोला था, मैं घर जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और अभी हमारा वर्कआउट भी है, शाम का वर्कआउट एक रह रहा है हमारा। सुबह हमने मेडिटेशन करी थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी थी और जिम करी थी, तो हमारे 2 से 3 मतलब आज हमें 3 वर्कआउट हो जाएंगे। पर वो इंटेंस नहीं था, सुबह वाला जिम का तो इंटेंस था, पर मेडिटेशन के बाद वो इंटेंस वर्कआउट नहीं माना जाएगा, इसलिए हम सेकेंड वर्कआउट करने हम जाएंगे अपना ग्राउंड में। ग्राउंड में जाएंगे तो सुबह एक्सपीरियंस ये था, सुबह ना मैंने आकर आइस बात मतलब कि वर्कआउट करने के बाद आइस बात ली थी, भाई क्या फीलिंग आई थी, ग्रेटफुल। मतलब कि जो मैं डेली ले रहा था ना, सुबह उठते ही आइस बात लेना बहुत हार्ड लगता है, पर जब मैं आया मैंने आइस बात करा, उसके बाद जो मज़ा आया था, एक नंबर मज़ा आया था। और दिन से तो अलग, अगर आपका भी इसी दिन आइस बात रह जाता है, जैसे मैं सुबह लेट हो गया था तो इस वजह से रह गया, बट अगर आपका भी आइस बात किसी कारण रह जाता है, किसी रीज़न से रह जाता है सुबह सुबह का, लेना ज़रूर, सुबह लेना सुबह ही है, क्योंकि चैलेंज का मतलब ही कठिनाई होता है भाई। हम हार्ड काम करते तो चैनल का चैलेंज का नाम ही वो थोड़ा और हार्ड पड़ता, उसमें मन थोड़ा बनाना पड़ता, थोड़ा ये रहता यार चल छोड़ूं क्या करूं, पर सुबह आते ही हमें थोड़ा इजी लगा, हमने कर लिया। तो जो मेन रीज़न है वो है, अगर सुबह ले सकते हो तो लो, थोड़ा हार्ड रहेगी, फीलिंग थोड़ी अच्छी सी नहीं रहेगी, पर जो सुबह हो जाएगा ना वो निमट जाएगा। बेशक से हमने सुबह कर लिया, पर जो सुबह मज़ा था वो अलग था, मैं इसलिए बता रहा था आपको कि अगर आपका रह जाता है तो आप बाद में ले सकते हो। एक चीज़ के ऊपर अपना चैलेंज को नुकसान मत करो, चैलेंज को छोड़ो मत। तो अभी हम फिलहाल अपने वर्कआउट के लिए जा रहे हैं, जो कि हम गांधी ग्राउंड में ही कर, रनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ आज हम अपने ग्राउंड में करने वाले हैं। तो जल्दी से ग्राउंड की तरफ चलते हैं, तो लेट्स गो। सो गाइज, अभी अपना गांधी ग्राउंड का वर्कआउट हुआ कंप्लीट। आज हमने स्टेयर्स की थी, रनिंग हम सुबह करेंगे, ठीक है ना। स्टेयर्स के 2-3 सेट कर लिए, पुलअप्स के हमने 2-3 सेट कर लिए, पुशअप्स हमने आज पूरे दिन ही करी है, जिम में भी, वहाँ नीचे जिम में भी करी, ग्राउंड में भी करी थी। सो अब कल का व्लॉग तो आएगा नहीं, मैंने बताया था जैसे ट्यूजडे में व्लॉग शूट नहीं करता, हाँ हो सके शॉर्ट व्लॉग आ जाए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और सो सभी को जय श्री राम, मिलते हैं अपने वेनसडे के व्लॉग में। ये था आज का मंडे का व्लॉग, सो जय श्री राम सभी को।